जवाब कैसा चाहिए? पूरा सेंटेंस में
वो उसकी मात्रा वाले अक्षर सिर्फ आपको लिखने हैं।
ठीक है। और इसको आपने कहानी को बुनने के बाद यानी कि कहानी तैयार करने के बाद कहानी को अच्छे से एक नाम भी दे सकते हो। हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमारी उ की मात्रा की पढ़ाई हो चुकी है, हमने छोटे उ की मात्रा की अच्छे से पहचान की है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है वक्षित की। हाँ तो हमारे वक्षित कितने अंक की है? 10 अंक की। और बहुत ही आसान है, मेरे सब वक्षित बहुत होशियार है ना, तो यह वक्षित अच्छे तरीके से आप छुड़ा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के, और इसके बाद लिखा हुआ है हमारा क्लास, जो हमारा क्लास सेकेंड है, दूसरी कक्षा है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, और यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिस दिन की आप छुड़ाओगे उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपका नाम भी लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है आपका, हाँ गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। हाँ तो उसके बाद हमारा यह घटक है, घटक यानी कि हमारा पाठ किस पाठ पे, ये हमारे वर्षित है। तो हमारे वर्षित है छोटे की मात्रा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, इस कविता में उ की मात्रा पर गोला बनाओ। तो यहाँ पे कुछ मैंने पंक्तियाँ दी है, अच्छी तरीके से देखो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, लगभग आठ पंक्तियाँ यहाँ पे है। हाँ तो इसमें इस पंक्तियों में कहीं कहीं पे किसी किसी शब्द में उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा आई हुई है ना। तो उस मात्रा पे आपको क्या करना है, गोला बनाना है। ठीक है, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से पंक्तियाँ है उसमें, ची ची चुर चुर है ना, पहली पंक्ति हमारी क्या है, ची ची चुर चुर, उसके आगे है करती चिड़िया। तो इस ची ची चुर चुर में यहाँ पे क्या आया है, छोटे उसकी मात्रा आई है। हमें पूरा शब्द सर्कल नहीं करना, हमें पूरे शब्द पर गोला नहीं बनाना है, हमें सिर्फ उस अक्षर पे ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्द में यहाँ पे छोटे उ की मात्रा आई हुई है। इसमें है उ की मात्रा? बिल्कुल नहीं। इसमें भी नहीं है, है नहीं है, तो यहाँ पे ही उ की मात्रा है। तो हम इस तरीके से इसको गोला बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इस तरीके से आपको यह सब पंक्तियों में इस तरह से गोला लगाना है। इसके बाद आप पेज टर्न करो। हमारा दूसरा सवाल है, देखो नीचे लिखे शब्दों में छोटे उ की मात्रा लगाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, लगभग यहाँ पे पांच शब्द हैं, हाँ, और उसके आगे यहाँ पे लाइन्स दी हुई है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसमें उ की मात्रा नहीं है, तो वो शब्द आपको उ की मात्रा लगा कर लिखना है। एक मैं आपको दिखा दूँ। तो हमारा पहला शब्द है सब। तो सब का कुछ मतलब है, मीनिंग है? नहीं है। तो उसको हम जब उ की मात्रा लगाएंगे तो उसका क्या होगा, अच्छी तरीके से एक शब्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यह सब शब्द है। तो यह सब शब्द को इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, तो ये सब को यदि हम स को उ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा सुबह। हाँ ठीक है, उसके बाद पशु, इस पशु को भी कुछ कुछ मीनिंग नहीं है, यह शब्द नहीं है, तो उसको आप उ की मात्रा सही जगह पे लगेंगे। ठीक है, तो ये सुबह के बाद पशु, मधु, दम और तर, इस तरीके से शब्द है। तो आपको इस शब्दों को उ की मात्रा लगाकर यहाँ पे खाली जगह पर अच्छी तरीके से लिखनी है।
सुरक्षित रहो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। धन्यवाद।